दोस्तों हो सकता है कल फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये तीनों चीज दोस्तों बंद हो सकता है, क्योंकि एक तरह का लॉ आया था दोस्तों 2021 फरवरी में, जिसके अकॉर्डिंग ये हुआ था कि ये लोगों को बात मानना पड़ा था, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ये है इसका कोई रिप्लाई नहीं किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि कल ये दोस्तों बैंड हो जाए इंडिया में। एक रिपोर्ट दोस्तों जो आया था स्क्रीन रोक के आप पढ़ सकते हैं कि ये रिपोर्ट है दोस्तों, अगर वीडियो में बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। आपकी क्या राय है दोस्तों, अगर ये बंद हो गया तो आप क्या करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है लगन, आप देख रहे हैं टेकवॉक्स। तो पहली जो टेक अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों वो टेक रही है थोड़ा फनी है दोस्तों, फास्ट एंड फ्यूरियस 9 ये जो है दोस्तों ऑनलाइन लीक हो गया और नेक्स्ट मंथ दोस्तों इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन ऑनलाइन लीक हो गया दोस्तों और काफी HD क्वालिटी में है। अगर चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो दोस्तों आप हमें बताइए, आपको दोस्तों लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कल के पोल की। कल मैंने पूछा था कि एंड्रॉइड 12 आपको कैसा लगा, तो 70% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन 34% लोगों ने कहा कि मजा नहीं आया। आप उनमें से है दोस्तों तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस WWDC दोस्तों 7 जून से शुरू हो जाएगा। अब तक अपडेट देते जाएंगे दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी आएगा जो 2021 में आने वाला है। ये तो दोस्तों घड़ी मुसीबत का चल रहा है, लेकिन आप तक दोस्तों अपडेट जरूर पहुंचा। अब बात करते हैं दोस्तों PlayStation 5 की। अगर आप बाय करना चाहते हैं दोस्तों तो 27 मई से दोस्तों ये प्री रजिस्ट्रेशन में जाएगा, जाके वहां पर दोस्तों प्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसे बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। AI दोस्तों कहीं ना कहीं घुसते चला जा रहा है और फेक रिकॉग्निशन को दोस्तों इतना ज्यादा आगे बढ़ा दिया है कि दोस्तों आपके स्माइल के हिसाब से बता देगा कि आप टेंशन में हैं, आप मेल है या फीमेल है दोस्तों, और हर चीज जो होता है सब कुछ बता देगा। आप हर चीज में क्या क्या आएगा दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन ये फोटो देखिए, आपको यहाँ पर दोस्तों वो क्लिक करके बताएगा कि आपका आईब्रो सुकड़ रहा है तो दोस्तों किस तरह का होगा, चिक सुकड़ रहा है या मुंह सुकड़ रहा है, तो वो बता देगा कि आप मेल है, फीमेल है, आप अच्छे मूड में है, खराब मूड में है, ये होना बहुत ही जरूरी है। आपको क्या लगता है दोस्तों ये AI जो है हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा काम करेगा, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप Xiaomi के। तो Xiaomi का दोस्तों Mi 11 Lite ये जो है फोन दोस्तों इसका टीजर पेज वगैरह आ गया, बहुत ही जल्दी दोस्तों हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों Redmi Note 8 ये जो फोन है दोस्तों 2021 में फिर से लॉन्च होगा, लेकिन Helio G80 प्रोसेसर के साथ होगा दोस्तों, बाकी सब कुछ सेम होगा। जब ये फोन आएगा दोस्तों लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस क्या होगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं 26 मई को Redmi का एक TWS लॉन्च होगा दोस्तों एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ, जिसका नाम है दोस्तों Redmi Air.3 Pro। ये जो है दोस्तों बहुत ही लंबा नाम है, लेकिन काफी जबरदस्त हो सकता है। इसकी प्राइस क्या होगी दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वैसे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का अमेजिंग वीडियो हम देते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों 1 जून को अगर आप TV वगैरह लेना चाहते हैं तो आप रुक जाइए, 1 जून को दोस्तों रेडमी का कुछ होराइजन एडिशन में दोस्तों इंडिया में TV लॉन्च होने वाला है, जिसकी प्राइस दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि 40 इंच का जो प्राइस होने वाला है 20,000-21,000 रुपए होगा, क्योंकि अभी अभी दोस्तों OnePlus भी लॉन्च किया और यही प्राइस में, तो आप दोस्तों अगर रुक सकते तो रुक जाइए, आपको बेस्ट ऑफर मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की। रेडमी नोट 10 प्रो जो दोस्तों मेरे हाथ में है, ग्लोबली एडिशन का दोस्तों DxO मार्क बाहर आ गया है, जिसका मार्क आया है 106 दोस्तों। अब ये किसको पछाड़ के आगे बढ़ा है तो बता दे iPhone SE 2020, ये जो फोन आया था दोस्तों इसका 103 आया था और इसका दोस्तों 106 आ गया, तो मतलब समझ सकते हैं कि इसका कैमरा कैसा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे इस बात पे तो लाइक करते हुए आगे बढ़िए। वहीं दोस्तों बात करते हैं अब आईफोन की। तो iPhone SE का दोस्तों नया कॉन्सेप्ट आ गया, जो देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है, पंच होल डिस्प्ले के साथ आएगा, काफी अमेजिंग लग रहा है दोस्तों। अगर आपके पास है दोस्तों आईफोन तो आप हमें कमेंट में बताइए कैसा चलता है। वैसे दोस्तों चलने से याद आया कि दोस्तों iOS में नया अपडेट आया 14.6 का, अगर आप नहीं किए तो जाके करिए, बहुत सारी इसमें नई नई फैसिलिटी देखने को मिली। अब बात करते हैं दोस्तों सैमसंग की। तो सैमसंग का Tab S7 5G FE या FE 5G जो भी बोल सकते हैं दोस्तों, काफी लंबा नाम है लेकिन काफी बड़ा भी है दोस्तों। 10,000 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 750GL दोस्तों प्रोसेसर, देखने में काफी जबरदस्त और कूल लगता है और प्राइस भी काफी कूल है दोस्तों, 57,800 रुपीज दोस्तों यूरोप का कन्वर्ट करके बता रहे हैं। अब इंडिया में जब आएगा दोस्तों तो इसकी प्राइस क्या होगी, लेकिन इस स्पेसिफिकेशन के साथ दोस्तों ये लॉन्च हो गया है, काफी जबरदस्त देखने में लग रहा है दोस्तों। आपकी क्या राय है, इंडिया में जब आएगा तो इसकी प्राइस क्या होगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सैमसंग HM3 108 MP पे दोस्तों काम कर रहा है, जो काफी जबरदस्त होगा HM2 से दोस्तों, जो रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में है। अब बताइए दोस्तों जब ये HM3 वाला सेंसर आएगा तो किस फोन पे आएगा आप हमें कमेंट में बता सकते। और आज दोस्तों चाइना में iQOO New 5 Lite 5G ये जो फोन है दोस्तों Snapdragon 870 प्रोसेसर के साथ चाइना में लॉन्च हो गया है, 26,000 रुपए इसकी प्राइस है दोस्तों। 120 Hz का दोस्तों डिस्प्ले इस पर देखने को मिलता है, जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और भी बहुत सारी चीज
चीज़ है दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का कैमरा वगैरह दिया गया है। अब जब ये इंडिया में आएगा किसी भी नाम से दोस्तों तो आपको सारी डिटेल देंगे, लेकिन इसकी प्राइस इंडिया में क्या होगी आप कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्नो की, टेक्नो स्मार्ट 7 प्रो, ये जो फ़ोन है दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो गया है। 4GB RAM 64GB इंटरनल मेमोरी का जो प्राइस है 10,000 रुपये दोस्तों, ये समझ लीजिए। 90Hz का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों। बात करते हैं 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, USB Type-C और फास्ट चार्जिंग के साथ ये आता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोसेसर की, Helio G80 का दोस्तों इसमें प्रोसेसर दिया गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते। और दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि कूलपैड कूल 20 ये जो फोन है लॉन्च होने वाला है, और आज लॉन्च हो चुका है दोस्तों। 2 साल की वारंटी इसमें दी गई है, 8000 इसकी प्राइस है दोस्तों, कन्वर्ट करके बता रहे इंडिया का दोस्तों, चाइना में हुआ है। इसमें Helio G80 का दोस्तों प्रोसेसर देखने को मिलता है, और यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा भी देखने को मिलता है। अब बताइए दोस्तों ये फोन आपको किस तरह का लग रहा है, आप हमें कमेंट में बता सकते। अब बात करते हैं दोस्तों वन प्लस की, तो वन प्लस का दो फोन दोस्तों आज BIS पे लिस्ट हो गया, Note CE 5G और Note 2। ये दो फोन दोस्तों आने वाला है वन प्लस का, जब आएगा तो दोस्तों आपको सारी डिटेल देंगे। बस इतना ही पता था जो मैंने आपको बता दिया, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और नए मेहमान है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ो। अब बात करते हैं रियलमी की, तो रियलमी का डीजो दोस्तों आज इंडिया में लॉन्च हो गया है, जिसमें बहुत सारे ऑडियो प्रोडक्ट वगैरह आने वाली है दोस्तों। इस डीजो में आप पहला प्रोडक्ट कौन सा होगा दोस्तों, आप हमें कमेंट में गेस करके बताइए। चलिए इसमें पोल ही रख देते हैं दोस्तों, तो पोल में जाके पार्टिसिपेट जरूर करिए और अपनी राय दीजिए कि TWS होगा, ब्लूटूथ स्पीकर होगा, पेन होगा, कॉपी होगा, कलम होगा, या अंडरवियर होगा, जो भी होगा दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते। अब बात करते हैं दोस्तों आज चाइना में रियलमी Q3 स्पेशल एडिशन और Q3 प्रो, ये दो फोन दोस्तों लॉन्च हो गया। ये दोस्तों डायमेंसिटी 11000 प्रोसेसर के साथ आता है, 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी। अब ये इंडिया में दोस्तों किस नाम से और रिब्रांड होके आएगा दोस्तों, जब भी आएगा दोस्तों आपको सारी डिटेल देंगे, लेकिन प्राइस इसकी बता देते हैं दोस्तों। कन्वर्ट करके ऐसा बताया जा रहा है कि 18 से 19 हज़ार में दोस्तों ये लॉन्च हुआ है। अब उस रेंज में दोस्तों इंडिया में तो नहीं होगा, जाहिर है 20 से 25 तक भी जाता है, तो दोस्तों क्या इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन सही है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म, बात करते हैं कुछ डील्स की, तो एक ज़बरदस्त डील्स है दोस्तों, SP A2 का सपोर्ट वाला अगर आपको स्मार्ट वॉच लेना है तो दोस्तों Boltfire 360 ये जो स्मार्ट वॉच है ले सकते हैं। मैं भी चेक करूंगा और देखूंगा दोस्तों, ज़रूर माना गाऊंगा, तो आपको अगर लेना है तो ये ले सकते हैं दोस्तों, फ्लिपकार्ट वगैरह में मिल रहा है। तो दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म, उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नया मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का अमेजिंग वीडियो देते रहता है। और नीचे वाला वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों, अगर आप न्यू यूट्यूबर है तो वो वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ उसमें दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।